कुछ। आइए हमारे बीच में एक ऐसे मेहमान बैठे हैं जो पूरे झांसी के अंदर जाने माने चेहरे हैं, जिनका नाम है नीरज स्वामी। व्यापारी नेता हैं, इनसे जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं। इनसे जानते हैं कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री आए, नगर निगम के अंदर झांसी के अंदर मुख्यमंत्री झांसी का दौरा हुआ, राजनाथ सिंह का दौरा हुआ। जब झांसी का चमकाने का काम पूरी झांसी की गली गली चमक गई थी, जहां आ रहे थे वहां तो एक स्वर्ग सा दिखने लगा था। हमारे बीच में जानते हैं कि आज की स्थिति जर्जर दिखने लगी है नगर निगम के सभी वार्डों में। कोई साफ सफाई नहीं है, कोई नालियों के अंदर साफ सफाई नहीं है। नीरज स्वामी जी से जानते हैं कि आखिरकार क्या हो गया नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारियों को, आखिरकार क्यों जर्जर सा झांसी दिखने लगा है। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार साहब। ये सवाल बहुत बड़ा है कि 19 नवंबर को जब सब आए थे पूरा झांसी चमक गया था, अब बहुत जर्जर स्थिति है, सब लोग पूरी जगह खराब हो चुकी है नगर निगम की, पूरा घर जो कतों भर रहे, नालियां भर रही, कोई साफ सफाई नहीं हो रही। देखिए ये बात सही है कि 19 नवंबर को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी व आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे दौरा था और वो आए थे तो साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया गया था, परंतु ये सफाई का कार्य तो चलता रहता है। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों से और नगर निगम के जनप्रतिनिधियों से अपील है कि वो रोड पे उतर के जरा साफ सफाई की और जो अंदर के मोहल्ले हैं उन पे भी जरा ध्यान दें, क्योंकि नाले भरे हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे भारी जो नाला है उसकी सफाई काफ़ी महीनों से नहीं हुई, अभी बरसात एक बरसात आ जाएगी तो पूरा नाला बाहर बहने लगेगा, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने मेरा ये प्रयास है कि 60 वार्ड झांसी में है, 60 वार्डों की हम लोग अलग टीम बना रहे हैं और वो टीम सिर्फ इसीलिए है कि नगर निगम से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो हमको अवगत कराएंगे और हम लोग उसको निस्तारण करने की जनप्रतिनिधियों से और अफसरों से बिल्कुल उसका निस्तारण करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। 60 वार्डों की टीम हम लोग तैयार कर रहे हैं। नीरज जी देखा जाए कल बहुत बड़ा आपके विपक्ष पार्टी के नेता आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुत जलजला था झांसी के अंदर देखने को मिला था। क्या मानते हो जब वो आ रहे थे उसको दो दिन पहले होर्डिंग फटने का काम किया था नगर निगम ने, होर्डिंगें हटा दी गई थी, फिर चूंकि कुछ अधिकारियों की मेहरबानी हुई वो होर्डिंगें लगी हैं, उन्होंने विरोध किया कि जब आपके योगी और मोदी जी आते तो होर्डिंगें पूरा झांसी चमक जाता होर्डिंगों से, इनकी होर्डिंगें क्या हटाई गई? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि होर्डिंग हटाई और क्यों हटाई, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और क्या कहना चाहोगे झांसी नगर निगम के अंदर जो विकास चल रहा है प्रेजेंट के अंदर, जो पार्कों का निर्माण हो रहा है और जो अटल बिहारी पार्क बना है उसके अंदर 10 रुपये शुल्क लिए जा रहे हैं, हमने परसों बनाई न्यूज बनाई, 10 रुपये अंदर जाने के लिए और 10 रुपये बाहर पार्किंग के लिए, क्या कहना चाहोगे? देखिए जो पार्कों के लिए तो झांसी अच्छा काम कर रहा है, पार्क चारों तरफ बन रहे हैं, और रही बात अटल एकता पार्क की, तो अटल एकता पार्क के लिए जो शुल्क लगा है 10 रुपये, मुझे नहीं लगता कि इसको देने में कोई जनता को परेशानी होगी, क्योंकि उसकी साफ सफाई उसको मेंटेन करने के लिए भी तो एक राशि नगर निगम को या जो भी संबंधित विभाग है उससे उसको चाहिए है। अच्छा, लाइब्रेरी के अंदर बता रहे थे कि उसके अंदर अनेकों किताबें होंगी, परंतु जब देखने के बाद उसके अंदर 500 किताबें हैं। नहीं तो उसमें ऐसा है ना कि अभी कुछ किताबें आ गई होंगी लेकिन और किताबें आएंगी, वो लाइब्रेरी जो है वो झांसी की ऐतिहासिक लाइब्रेरी अटल एकता पार्क में बनेगी, इसमें कोई दौरा नहीं। ये थे व्यापारी नेता नीरज स्वामी जी, जिन्होंने बताया कि नगर निगम के अंदर एक बेहतरीन 60 वार्डों के अंदर एक टीम गठित करने जा रहे हैं, जिससे कि कोई भी जानकारी नगर निगम के अंदर सूचना होगी तो इनकी 60 वार्डों की जो टीम बनेगी वो टीम नगर निगम के अंदर कार्यक्रम में काम करेगी और लोगों की मदद करेगी। कैमरामैन रित्य के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता, देवनूत झांसी।